व्हाट इज़ अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन लोगों ने अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये जो सोफ़ा आप देख रहे हो, ये मैंने ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से, तो सोचा कि सोफ़े का क्यों ना रिव्यू कर दिया जाए। और जो भी डिटेल्स है वो हम पूरा वीडियो में बता देंगे, प्राइस वगैरह वगैरह, उसके लिए आपको एंड तक देखना पड़ेगा। और इसका जो लिंक है, जो सोफ़ा मैंने लिया हुआ है, वो भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो ये वाला हमने 3 सीटर लिया हुआ है और ये बहुत ज़्यादा हल्का है और कितना चौड़ा है आप देख सकते हो। और इसको अभी हम सेट करने वाले हैं। यहाँ से 3 कुशन हमने निकाल लिए हैं और ये वाला भी था, और यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हो। और ये ग्रे कलर का लिया हुआ है, इसको ऑलरेडी मैंने मर्डर कर दिया। ये बहुत अच्छा पैकिंग में हुआ था, मतलब पैकिंग में आया था, ये पूरा पैक किया हुआ था, पैकिंग में था। ऑफिस के लिए या फिर घर के लिए भी बहुत अच्छा है। और ये काफ़ी अच्छा, मतलब पैकिंग इन लोगों का सुपर है, पैकिंग बहुत अच्छा था। चीज़ आप लोग पूरा देख सकते हो, कितना स्पेस लेगा 3 सीटर, वो भी हम दिखा देंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। मुझे लगा कि हम चलो इसके ऊपर छोटा सा ब्लॉग बना देते हैं, जो लोग सर्च करोगे आप लोगों को इजी हो जाएगा लेने से पहले। हम भी जाके फ्लिपकार्ट से कुछ भी लेने से पहले एक बार यूट्यूब में देख लेते हैं कि किसी ने कुछ डाला है कि नहीं, क्योंकि नीचे जितने भी पिक्स डाले होते हैं उससे उतना कुछ हम लोग जान नहीं पाते हैं। लेकिन इस वीडियो से आप अगर खरीदने जाओगे तो उससे पहले बहुत कुछ आप लोग देख पाओगे आराम से, कि मैं सब कुछ दिखाऊंगी कि मैं इसको कैसे सेट करती हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो डिजाइन बना हुआ है, तो ये चला जाएगा हम लोगों का बैक पोर्शन और नीचे ये सेट, आई गेस ऐसे ही कुछ। चलिए इसको पहले सेट कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं वीडियो में। सो बॉस, जिस प्राइस पे मैं ढूंढ रही थी अपने स्टूडियो के लिए, वो प्राइस पे एक सोफ़ा कम बेड मिलना तो इम्पॉसिबल था। लेकिन थैंक्स टू फ्लिपकार्ट कि मैंने सर्च किया और वहाँ से मुझे इतने कम प्राइस में इतना अच्छा एक प्रोडक्ट मिल गया। ये सिर्फ आप गरम स्ट्रेटनर, कर्लर, ये सब गरम चीज़ों से आप इस चीज़ को बचा के रखिए, अन पानी, क्योंकि आपको पता ही है ये जिस मटेरियल से है वो पिघल जाएगा तो दाग हो जाएगा। ऐसे मेरे बेड के ऊपर भी हुआ, बस पुश किया और ये पूरा ऐसे हो गया। ये बहुत बहुत लंबा जगह लिया है। सी, मैं इसके ऊपर चढ़ जाती हूँ। सी, सो गुड, इज सो गुड मैन, सो गुड। सिर्फ पानी से बचा के रखना, पानी वानी मत गिराना, नहीं तो सोक कर लेगा। दिस इज सो गुड, दिस इज सो कम्फर्टेबल। अब आप लोग पूछोगे कि इसको बेड कैसे करें, तो बेड बहुत इजी है। यहाँ पे ना एक चेन सिस्टम है, हम देखें, ठीक है, इसको यहाँ से उठा के, मतलब मेरा स्पेस के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। ये देखिए, ये ऐसे हो जाएगा। इसको वहाँ पे आप डालोगे, उस साइड आप डालोगे तो पूरा बेड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक चेन भी किया हुआ है, और इस साइड आप इसको ऐसे पकड़ के इस साइड डालोगे तो ये पूरा सोफ़ा हो गया, सोफ़ा बन गया। इसको बस उठा के उस साइड पर डालना है। कनेक्शन ये लोग कैसे किए हैं, मुझे लगता है सिलाई किए हुए हैं। हाँ, ये सिर्फ सिलाई के ऊपर है और ये कार्लोन का ही है शायद, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा बहुत मोटा है। आप इसका आप देख सकते हो कितना मोटा है। सिर्फ पानी से बचा लीजिए, सॉरी पानी से बचा लीजिए और नीचे कोई कारपेट वगैरह वगैरह डाल दीजिए तो ज़्यादा ईजी होगा। दिस इज़ लिटरली सो कम्फर्टेबल, इट्स फॉर माई स्टूडियो। आराम से यहाँ पे क्लाइंट्स, अगर कोई गेस्ट आते हैं तो वो भी बैठ सकते हैं। मैं लेटा के मेकअप भी करवा सकती हूँ आराम से, ठीक है। और मैं खुद तो ऑब्वियसली मैं अपने लिए मंगवाई थी कि आराम से हम सो सकते हैं। सी, पिलो के भी ज़रूरत नहीं है, नहीं गर्दन पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे बैठ बिठा के हम किसी के ऊपर मेकअप भी कर सकते हैं बहुत कम्फर्टेबली, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मेकअप करने के टाइम बहुत लोगों का ये बैक पूरा दर्द देता है, चाहे जितना भी आप सैलून चेयर पे बिठा लो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, पूरा लिटा दो। सो आई एम 5'3", लंबा होके लेट गई, फिर भी एक जन अच्छा खासा मोटा पर्सन बैठ सकता है। तो आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। सो इट्स 8250, यस आप लोगों ने सही सुना, 8,250 रुपये का चीज़ है। EMI भी अवेलेबल है, नो कॉस्ट, और आप लोग आउटलुक देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।